The Dazzling Gems and the King Dokuro Part 1. काफी अच्छा और साफ मौसम है। सभी लोग अपना दिन काफी शांति और मजे से मना रहे हैं। देखो बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? ये किकिरु डॉल्फिन का खत आया है। हेलो दोस्तों, तुम सब कैसे हो? मैं यहाँ पर खूब मजे में हूँ। मैं यहाँ दिन रात समंदर में तैरता रहता हूँ। तुम लोग मुझसे बहुत दूर हो, पर कोशिश करना मुझसे मिलने जरूर आना। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो समंदर, क्या बात है। वो कितना बड़ा होगा ना, वो हमारी नदी से तो काफी बड़ा होगा। ओ समंदर समंदर, चलो हम भी वहाँ चले। हाँ, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। कितना मजा आएगा ना दोस्तों। तुम्हें तो पता है कि मैं एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और अच्छा हुआ कि मैंने अभी अभी एक गैस बलून बना लिया है जिसमें हम सब बैठकर उड़ सकते हैं। क्या बात है, फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे रुको रुको, समंदर तो यहाँ से बहुत दूर है और मैं तुम लोगों को वहाँ पर अकेला नहीं जाने दे सकती। बच्चों, टीचर तो आप भी हमारे साथ चलिए ना प्लीज। हाँ टीचर, अगर आप हमारे साथ आई तो हमारे पेरेंट्स हमें भी समंदर में जाने देंगे। अच्छा ठीक है, दरअसल मैंने भी समंदर आज तक नहीं देखा, इसी बहाने देख लूंगी। तो चलो। तो तय रहा, हम सब लोग कल सुबह मेरे घर के सामने इकट्ठा होंगे। नियागो सही टाइम पर उठ जाना, वरना हम चले जाएंगे। हाँ 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 ठीक है। नियागो नकापोश नियंडर, एक मुसीबत आ गई है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ नकापोश नियंडर ही मेरी मदद कर सकता है। गहरे पानी में समंदर के बीचों बीच चार पत्थर हैं, लाल नीला हरा और पीला। उन्होंने राजा डोकुरो को कैद में रखा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ और राजा डोकुरो कैद से मुक्त और जिंदा हो गया। राजा डोकुरो सारी दुनिया को खत्म करना चाहता है, और उसे रोकने के लिए हमें वो चार पत्थर हासिल करके राजा डोकुरो को फिर से कैद में डालना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो चारों पत्थरों को उनकी असली जगह पर वापस रखना होगा, और ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। नकापोश नियंडर, कुछ भी करो लेकिन उन पत्थरों को असली जगह पर पहुंचा। लगता है मैं सपना देख रहा था। ये हुई ना बात, हवा समुद्र की दिशा में ही चल रही है। मुझे तो लगता है सही वक्त है हम सबकी उड़ान भरने का। हाँ काचिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो नियागो कहाँ रह गया? वो लेट लतीफ कहीं का। मेरे लिए रुको। हा? दोस्तों मैं थोड़ा लेट हो गया, रुक जाओ मेरे लिए। नियागो जल्दी आओ। तो फिर क्या सब लोग तैयार है? हिप, 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 हुर्रे! जवाब नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई नियागो, तुम अपना स्कूल बैग साथ क्यों लाए हो? वो मैं जल्दी जल्दी में गलती
गलती से उठा लाया। वैसे नियागो तुम्हारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। वैसे तुम सच कह रहे हो। तुम सचमुच अजीब हो। तनुको ये चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे खुशी है आपको ये पसंद आई बड़े भैया। अब तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ मेरा राज्य या मेरा महल मुझसे छीनने आए हो? मैं इस दुनिया में राज करने आया हूँ। ये है एक सुपर मशीन जो कहीं भी और कभी भी पहुँच जाती है। मैं हूँ नियॉन हीरो नंबर वन। इस मशीन को नियॉन सर ने बनाया है। ये बड़े कमाल की चीज है, देखना सर मशहूर हो जाएंगे। और ही मान तो मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ, असली हीरो मैं हूँ, हीरो नंबर वन। क्या बकवास कर रहे हो? तुम और तुम्हारा हेलीकॉप्टर बिल्कुल कबाड़ लग रहे हो। तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, है ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ भी थोड़ी खुजली हो रही है। थोड़े मेरे कंधों पर भी खुजली करो। नियॉन का हथौड़ा। मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो मेरा आविष्कार जिसे मैंने खुद बनाया है, और इससे तुम चारों खाने चित हो गए। अब तुम मेरा सामना करो। ये लो आग का गोला। अब देखो नियॉन का हवाई हमला। ये तो उड़ रहा है। गुंडा मंगो। सर ये कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? अब मुझसे वाकई बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लो। का मुकाबला करो जो तुम जिंदगी में नहीं कर पाओगे। यही मानतों का सामना करने के लिए ताकत के साथ साथ अकल की भी जरूरत पड़ती है। अब ये तो क्या वो बेवकूफ नियंडर भी मुझे हरा नहीं सकता। आप मेरे हीरो हैं, अब आप मशहूर बन जाएंगे और मशहूर लोगों की लिस्ट में नंबर वन बन जाएंगे। रो मत कौन। ये खुशी के आंसू हैं। वाह कितना अच्छा नजारा है, मुझे जल्दी से समुंदर तक पहुँचना है। मैं भी समंदर देखने के लिए बेचैन हो रही हूँ। जिंदगी में पहली बार समंदर देखूंगी ना। हाँ ये क्या हो रहा है? ये कैसी रोशनी है? क्योंकि हम बहुत ऊपर हैं, चलो नीचे चलते हैं। बाबा जिन बेशकीमती पत्थरों की बात कर रहे थे वो यही है। इसका मतलब वो सपना नहीं, बाबा सचमुच मुझसे बात कर रहे थे। अरे ये क्या हो गया है? सर वहाँ देखिए खूबसूरत सा पत्थर। मुझे लगता है वो पत्थर कहीं आसमान से टपक पड़े हैं। चलो जाके उन्हें ले लेते हैं। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म हो गया। कौन कौन बहुत अच्छे कान, बहुत बहुत अच्छे हैं उड़ने वाले पत्थर। ये तो सिर्फ राजाओं को ही शोभा देते हैं। हाँ बड़े भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पत्थर तो सिर्फ आप ही के पास होने चाहिए। घुमा घुमा। चलो चलें। वो पत्थर मेरे हैं इसलिए मैं ही लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरे हैं। अब देखना ये मशीन क्या करती है। ये तुम क्या कर रहे हो? दो करोड़ 4 कोबे
मैं हूँ राजा डोगरो और ये सारे के सारे पत्थर मेरे हैं। अचानक वो हड्डियों का ढांचा जमीन से निकला, पूरा वातावरण कांपने लगा। राजा डोगरो फिर से वापस आ चुका था इस दुनिया को खत्म करने के लिए। हम आगे देखेंगे कि नियंडर के नसीब में क्या लिखा है। जाइएगा।